और यू कैसे हैं आप लोग? ये हमारे मैन लिफ्ट ऑपरेटर हैं। क्या नाम हुआ आपका? सलीम खान। सलीम खान। आज हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है सेफ्टी का ये मैन लिफ्ट में, तो चले आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर ये मैन लिफ्ट जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ का ग्राउंड लेवल देखें कि वहाँ स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट या ओवरहेड लाइन, कोई बिल्डिंग लेफ्ट या राइट या कोई भी चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो टकरा सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, जहाँ आप जिस जगह पे भी वर्क एट हाइट का ये काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपका जैसे कि पेंटिंग का हो गया या कोई रिपेयरिंग हो गया या कोई इंस्टॉलेशन हो गया, आपको इस मैन लिफ्ट से ऊपर जाना हो, तो वहाँ पे खास कर देखें कि वो एरिया जो है कोई दूसरा बंदा काम तो नहीं कर रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो उसको वहाँ से हटा दें, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो हो सकता है कि वो कॉलिजन हो जाए, टकरा जाए, हीट कर जाए। और जिस एरिया में भी काम करते हैं वहाँ पे ये चारों तरफ आपका बैरिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा एक वहाँ पे सिग्नल मैन भी होना चाहिए जो ग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपका साइनेज भी होना चाहिए, वार्निंग टेप भी होनी चाहिए कि वो आपका लिमिटेड एरिया है, आप उस एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम और भी सेफ्टी मेजर में बात करें, उससे पहले आप ये जान जाएं, ये देखें, ये आप दूसरा आप जान रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग है। ठीक है, ये देखें, जिस तरह से भी आप जब आप बास्केट को आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल आप लेके जाते हैं, वर्टिकल जो है वर्टिकल आप स्ट्रेट 90 डिग्री पे इसको नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये टिप ओवर हो सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब भी आप अगर स्ट्रेट हॉरिजेंटल ले जाना है तो आप सीधे स्ट्रेट नहीं बल्कि उसको बैंड करके ले जाना है। बैंड हमेशा आपका दोनों स्ट्रेट होना चाहिए। 1 2 3 4 फोर इसका बूम मतलब फ्लेक्सिबल है, जो इसका बूम का जो फ्लेक्सिबल है वो फोर पॉइंट में है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट राइट ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख लें इस तरह से ये जो दिया हुआ है, किस तरह से ऑपरेटिंग करना है, किस तरह से हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपको ले जाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट स्ट्रेट ले गए, हो सकता है कि आपका टिप ओवर गिर जाए। उसी तरीके से जहाँ यहाँ साइनेज देख सकते हैं लगा हुआ है यहाँ पे कि ये जो आपका ओवरहेड लाइन है और कितना वोल्ट, जैसे 0 से लेके 50 kV तक 3 मीटर का डिस्टेंस रखना है। उसी तरीके से 500 से 200 kV तक 4.6 मीटर रखना है, ये आपका ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ओवरहेड लाइन से। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख लें, ये आपका इंस्पेक्शन है। ठीक है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हमेशा होनी चाहिए, अगर नहीं है आप ईयरली आप इन्फॉर्म करेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो बैटरी इसके अंदर में वो खुद एक हैजर्ड है, खतरा है, तो बैटरी के ऊपर कोई भी चीज़ ना रखें, कोई स्पैनर टूल्स समथिंग्स नथिंग, हमेशा क्लियर होनी चाहिए बैटरी। ठीक है, इसके अंदर एसिड है जो आपको खतरा पहुंचा सकता है, क्रोसिव है। उसी तरीके से इस जगह पे कोई भी काम के दौरान में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देख ले, कभी भी ये बकेट खुला हुआ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये बकेट हमेशा आपको लॉक होनी चाहिए, कि कोशिश करें कि निकाल के हमेशा रखें। ऐसे तो ये अभी ये स्टैंड बाई में है, अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जब ऑपरेट करने जाते हैं उस टाइम इंश्योर करें हर चीज़। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस टायर की बात करें तो आपका जब शुरू स्टार्ट करते हैं तो ये टायर भी इंस्पेक्शन करना है आपको। अब स्टार्ट मतलब आप जब जा रहे हैं काम में, तो टायर का कंडीशन देखना है। इस उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, वर्टिकल आप नहीं कर सकते हैं। देखिए 5443 kg लिखा हुआ है इसका जो लोड है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाए, सेम साइनेज जितना भी है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइनेज है, सेफ्टी साइनेज है, टोटल इधर भी दिया। जब गैस स्टेशन के पास जाते हैं फिल करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर ध्यान दें, इसका ग्राउंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे ये टर्न ऑफ कर दें, ऑन के पोजीशन में, रनिंग पोजीशन में कभी भी नहीं इसमें करना है। ठीक है, फिलिंग नहीं करना है। ये ऐसे देख लें, यहाँ कंपनी का नाम भी है, ये आपका रैपिड एक्सेस है। जब भी कोई इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना है, सेफ्टी इन्फॉर्म करेगा इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, रैपिड कंपनी को, वो आके जो मेंटेनेंस करेगा। अगर और इसमें हम अगर सेफ्टी की बात करें तो आप देख लें यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये फुल बॉडी हार्नेस है। जब भी ऊपर जाए, ठीक है, तो आप फुल बॉडी हार्नेस लगा के जाए। एक फायर सिलेंडर यहाँ पे होगा, ठीक है, एक फायर सिलेंडर भी रखें इसके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा। कहाँ फायर सिलेंडर है? ठीक है, ओके। और कोई भी इस तरह का ज़्यादा मटेरियल इस पर स्टोर ना करें। यहाँ से ये जो लॉक है, जो ऊपर चले जाते हैं, तो हमेशा लॉक आप हमेशा इसको सिक्योर करें। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साइनेजेज है,
जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से दिया गया है, तो उस चीज का भी ध्यान दें, उसको भी फॉलो करें। ये देखें यहाँ पे ये मैनुअल है, ठीक है, ये मैनुअल है। तो ये मैनुअल हमेशा आपका जो बकेट है वहां पे, वो बकेट में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें इसके खतरे की, कि क्या क्या, ये सब तो हो गया कि रिक्वायरमेंट जो है, अब खतरा क्या क्या चीज इसमें हो सकता है। ये जब ये 360 डिग्री में अगर मूव करेगा तो कॉलिजन हो सकता है, हीट हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर से, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से किसी भी हीट कर सकता है। आप कोई भी बंदा अगर अराउंड आपका काम चल रहा है, दो तीन एक्टिविटी चल रहा है, तो वो भी बंदा उससे हीट कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको खतरा की बात करें तो इलेक्ट्रिक्यूशन है, ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन, तो ओवरहेड लाइन से अगर आप ज़्यादा अगर बूम हाइट करेंगे अगर डिस्टेंस में, तो वो टच हो सकता है, वो भी आपको मतलब आपके लिए खतरा है। उसी तरीके से आपको अगर हम बात करते हैं खतरा की, तो अगर इस वर्टिकल ले आते हैं तो टिप ओवर हो सकता है। आपका लेवल अगर ग्राउंड लेवल अगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ग्राउंड लेवल अगर प्रॉपर नहीं है, तो उससे क्या है कि ये हो सकता है कि इसका बैलेंस खराब हो जाए, ठीक है। तो अगर जहाँ भी स्टैंड बाई में रखते हैं, तो आपको इसीलिए आपका हमेशा बकेट नीचे डाउन होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक इसमें खतरा है। उसके बाद उसमें देख लें एक्सटेंडेबल भी है, उसका एक्सटेंडेबल है कि आप सपोज डैट कहीं भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको एक्सटेंड करना है, वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें नहीं दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है, ठीक है। मगर फिर भी आपको ये इंश्योर करना है कि अगर एक्सटेंडेबल है तो उसका वेट कम होगा, ठीक है। अभी 300 समथिंग कितना है इसका वेट, 217, मतलब 100 केजी हम एक आदमी का कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये सेफ्टी मेजर है। तो आप वेट के लोड ज़्यादा ना उस पर, कोई भी मटेरियल नहीं, सिर्फ मैन लिफ्ट है, ना कि किसी मटेरियल को ज़्यादा, लिटिल बिट मटेरियल आप ले जा सकते हैं, ना कि कोई हैवी मटेरियल ले जा सकते हैं, ठीक है। और हमेशा बूम जो है आप जब ओपन करेंगे इसका, तो हमेशा 60 डिग्री एंगल में हो, ज़्यादा उसको हॉरिजेंटली ना करें, उससे भी आपका टिप ओवर हो सकता है, गिर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है। जब आप स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और बताना आपको भूल गए, इसमें आपका हाइड्रोलिक चेक करना है, ठीक है, आपका स्टार्ट कार्ड चेक करना है, स्टार्ट कार्ड है कि नहीं, आपका परमिट है कि नहीं जिस लोकेशन में आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो ऑपरेटिंग करेगा वो आपका ट्रेंड बंदा है कि नहीं, वो थर्ड पार्टी है कि नहीं। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पहले मेक श्योर करना है, हैजर्ड्स को जानना है, उसके रिस्क को जानना है, उस सराउंडिंग क्या क्या मतलब और भी खतरा हो सकता है उसके बारे में जानना है। उसी तरीके से अगर हम एक चीज़ और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अक्सर मतलब अनसेफ करते हैं, तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को हमेशा इग्नोर करें, हमेशा अवॉइड करें, कभी नहीं सा प्रैक्टिस करें। समटाइम इसको लोग यूज़ करते हैं एक्सेस के लिए, ये एक्सेस के लिए नहीं है बल्कि ये एक्टिविटीज़ के लिए, किसी काम के लिए। तो कभी भी इसको, इसका जो जो चार तरफ से जो भी इसका गार्ड रेल मिड रेल है, वो क्रॉस ना करें, किसी रूफ पे ना चढ़ें, किसी मतलब स्ट्रक्चर पे ज़्यादा मतलब एक्सेस लेने के लिए, हाइट लेने के लिए आप चढ़ जाते हैं, ऐसा ना करिए, ममनू है, दिस इज़ द रियली द प्रोहिबिटेड टोटली। और उसी तरह से जब भी आप जब जाते हैं तो रिट्रेक्टेबल लेनियर्ड पहले लगाएं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से आप काम अनअटेंडेड है, काम नहीं, तो इसको ऑफ कर दें। हमेशा ऑपरेटिंग आप वहाँ से करें, ना कि इमरजेंसी में ही नीचे से कर सकते हैं, ऑपरेटिंग हमेशा ऊपर से करना है। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।